लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलोक खाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाली टीवी। आज आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो IKS फॉरएवर सर्वर के कार्ड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से कार्ड्स अब जो है मार्केट में एक्टिव हैं, ठीक है, और किन कार्ड्स के जरिए रिचार्ज किया जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। दोस्तों, काफी दिनों से मेरे चैनल के ऊपर एक बंदा एक्टिव है, उसको जो है IKS कार्ड देखने का बड़ा शौक है। तो वो एक ही बात लिखता रहता है, मेरे को आप जो है IKS का कार्ड दिखा दें, IKS का कार्ड दिखा दें। आपको ये भी पता है कि IKS होता क्या है, बस कमेंट आपने पकड़ लिया है कि ठीक है जी, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ठीक है। आपको फॉरएवर सर्वर के बारे में जो है ना उसका आखिर का जो है ना R भी पता नहीं है या E भी पता नहीं है आपको, ठीक है, खाली बैठ के तो कमेंट्री है, ठीक है, YouTube से दो तीन वीडियो देख रही हम फॉरएवर सर्वर के मास्टर हो गए, ठीक है। आपको फॉरएवर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप पूरा यूट्यूब घूम कराएंगे, यूट्यूब पर फॉरएवर सर्वर के बारे में लिखेंगे तो वो आपको मेरी वीडियो शो करेगा कि ये बंदा है, ये बंदा काम कर रहा है, उसकी वजह वो रेटिंग में वीडियो क्यों जा रहा है, मैं काम करके दिखा रहा हूं इसलिए वो वीडियो रेटिंग के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये बिटकॉइन का रिचार्ज मेरे से नहीं होता, मेरे से जो बंदा भी करवाता है मैं उसको पहले बोल देता हूँ बिटकॉइन का रिचार्ज है, मैं इसमें जमादार नहीं, ठीक है जी। कार्ड का रिचार्ज या कार्ड का रिचार्ज माना जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर गारंटी होगी, बंद हो जाता है एक साल के लिए फ्री करके दिया जाएगा, ये हम लोग साफ बोल देते हैं अपने कस्टमर को, जितने कस्टमर उसमें रिचार्ज करवाया उन लोगों को साफ बात बोली, ये चीज पैसों से ली होती है, फ्री में तो ली ही नहीं होती। बिटकॉइन किसी भी जो है चले जाए ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाए, बाइनेंस के ऊपर चले जाए, वहां से बिटकॉइन खरीद के तो आप लोग बिटकॉइन से रिचार्ज कर ले, तो मुश्किल कोई नहीं है कि मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। मैं अगर आपको तरीका समझाऊंगा आप पता नहीं कितने लोगों का जो है वो बेड़ा बैठाएंगे, जिनको पता है वो उनको तो पता है, उनको करने दें, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो वीडियो बना कर नहीं दे सकता। मैंने मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने वो वीडियो बनाना आधे में बंद कर दिया, मेरे जहन में ये बात आ गई कि ये फिर सबको खराब करेगा सिस्टम, ठीक है, हमने तो वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर दे देना है, फिर समझा कि इन्होंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर आज तक किसी ने क्यों नहीं दिया कि इससे रिचार्ज कैसे करते हैं और रिचार्ज करके क्यों नहीं दिखाया। उसकी वजह यह थी कि जो भी था उसने यही समझा कि अगर ये मैंने आगे वीडियो भेजा, ठीक है, कि रिचार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है, तो फिर ये बहुत सारे लोगों का जो है बट्ठा बैठा देगा। हमारा तो कार्ड रिचार्ज, हमने कार्ड रिचार्ज करना है, सीधा सीधा सेंड कर देना, ये कार्ड हमने रिचार्ज कर दिया, ठीक है जी, अगर तो मुश्किल प्रोसेस ही नहीं है। लेकिन हम लोगों का फंसता काम कहां के आगे, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर, ठीक है। आप लोग कहते हैं हमें वो भी चीज करके दे दे, हमें वो भी चीज कर दे, यहाँ जो हमारा मामा बैठा है जिसका नाम यूट्यूब है, ये हमें छोड़ता ही नहीं है, ये हमें छोड़ता है, ये कम्युनिटी स्ट्रैके देता है, ठीक है, दो स्ट्रैके मौजूद है चैनल के ऊपर, अगर एक स्ट्रैक पड़ी तो चैनल गया, मेहनत सारी खत्म। तो जरूरत क्या पड़ी है, जिस बंदे को रिचार्ज करवाना है वो बंदा आ जाएगा कि मैंने रिचार्ज करना है, जिस बंदे को रिचार्ज नहीं करना वो ना है, हमें कोई उसका जो है उसकी मिन्नतें नहीं करते। जब वो लुटेगा कुटेगा वहां से जलील होगा, फिर हमारे पास आ जाएगा, अभी अब क्या करूं, फिर हम लोग उसको अगला जब कुरिया बताएंगे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। हम लोग शुरू से यही बोल, मेरे पास अब जो भी बंदा आ रहा है किसी से रिचार्ज करवा के, आप उस बंदे से कसम ले लें मैंने उस बंदे को क्या बोली, मैंने तो एक ही बात बोली, जहां रिचार्ज करवाया वहां चला जा, मेरे पास तेरे लिए टाइम कोई नहीं है, ठीक है, ना चैनल को लाइक कर ना सब्सक्राइब कर, कुछ भी ना कर, दफा हो जाए यहां से, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं उसको टाइम देता ही नहीं हूं, सीधी सी बात, उन्हें जो है ना अपने दिमाग को टेंशन देने वाली बात है। सबसे पहले जो है IKS का ब्लू कार्ड अब सील है, ब्लू कार्ड भी रेड कार्ड के बाद बंद है, ठीक है, उसकी जगह पे उन्होंने नया फेवर भेज दिया है, ठीक है भाई, ये अब इसके बाद आप लोग इससे कार्ड से रिचार्ज करो, ठीक है, ये कार्ड आपके रिचार्ज के अंदर मदद करेगा, ठीक है। दूसरा कार्ड उसके ऊपर जो है वो है ब्लैक रशियन कार्ड, सिर्फ दो कार्ड बाकी रह गए, एक ब्लैक रशियन कार्ड, ठीक है, और एक जो नया उन्होंने भेज दिया है, ठीक है, उसका मैंने पिक्चर बना दिया है, ठीक है, और मैंने जिसमें एक चाइना ने दे दिया है और एक जो रशिया ने दे दिया, ठीक है जी। कंपनी का अपना जो धाती कार्ड था वो कंपनी ने रोक के बिटकॉइन के ऊपर से अपना सारा सिस्टम हटा लिया है, अब ये काम जो है वो रशिया करेगा, यानी कि रूस ये सारा सिस्टम मेंटेन करेगा और वहीं से उसका रिचार्ज जो है वो डन होगा, ठीक है, वेबसाइटें वही रहेंगी तीनों जो चल रही हैं, ठीक है। जिस बंदे को ज्यादा शौक है फॉरएवर सर्वर का काम करने, वो कहता है कि इसमें बड़ा पैसा है, इसमें यूट्यूब से ऐसे व्यूज इकट्ठे किए जाते हैं, हमें यूट्यूब से फायदा ही कोई नहीं है, हमें कोई फायदा है इससे, हम लोग तो इसलिए यहां पर बैठे हैं कि जो लोग मार्केट में उधर मार खा रहे हैं ना,
जाते हैं फॉरएवर सर्वर का रिचार्ज करेंगे, फॉरएवर सर्वर के बारे में इसके बारे में पता नहीं होता। ये बात आप समझो कि ये क्या है, इंग्लिश का एक लफ्ज है, ठीक है जी, ये इसके बारे में भी उसको नहीं पता, वो खाली बातें करता है। लेकिन मेरा काम होता है समझाना, ठीक है, आप लोगों को ब्रीफ करना, ठीक है। कार्ड जो है मैं वो दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, उसमें कार्ड कौन कौन से, मैं उनकी पिक्चर जो है वो वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी डालूंगा एक नज़र के लिए, क्योंकि वो नए कार्ड हैं हमारे, माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हैं वो इस लायक हैं कि वो कार्ड की इमेज जो है वो कॉपी करने के अंदर बड़े मास्टर हैं, ठीक है जी। मेरा खुले आम चैलेंज है कि जो बंदा कहता है मैं फॉरएवर सर्वर का रिचार्ज खुद करता हूँ, ठीक है, वो भी कार्ड के जरिए वो सामने आ जाए। मेरा खुले आम चैनल है, वो जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हो, कहता है कि सामने आ जाए, कहते हैं कार्ड से रिचार्ज कर रहा हूँ, अगर कार्ड रिचार्ज मास्टर है तो बाहर आ जाए, ठीक है, कार्ड रिचार्ज मास्टर है, ठीक है, हमारा से चैलेंज है उसके सामने, हम लोग भी कार्ड रखते हैं सारे, वो भी कार्ड रखे, आ जाए बात, कहते हैं कार्ड रिचार्ज है। बिटकॉइन वाला उसको सलाम है, क्योंकि वो हर कोई कर रहा है, ठीक है, बिटकॉइन वाले से ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कार्ड रिचार्ज वाला जो है ना, कहता है कि कार्ड रिचार्ज है, वो बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये बंदा कार्ड रिचार्ज कर रहा है। हम लोग उसका वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे कि यार ये बंदा अच्छा काम करता है, इसका कार्ड रिचार्ज है, इस बंदे से रिचार्ज करो, अगर वो कार्ड रिचार्ज करता है। ये चैलेंज है, खुले आम चैलेंज है, खाली टीवी का खुले आम आल जितने भी ये सेटिंग और फिटिंग वाले हैं, इनको चैलेंज है कि अगर वो कार्ड रिचार्ज करते हैं, ठीक है जी, फॉरएवर सर्वर के कार्ड लगाकर आई के एस का स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 उनको भी इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं पहले तो माजत करता हूँ ये लैंग्वेज के लिए। लेकिन जरूरी ये है कि बकवास करने वाले ज्यादा हो गए, उनकी जबान को ताला लगाना जरूरी हो गया, ये मेरे ख्याल में ऐसे ही लगेगा, ठीक है जी ना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इस पर पूरा पूरा मैं ध्यान रखूंगा कि इसके ऊपर क्या कमेंट आया। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए कि इस तरह की कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जो कहता हो कि हाँ जी ये काम इस तरह है, आ जाए, इसके अंदर बड़ा पैसा है, आप लोगों को भी लग पता जाएगा 100-150 रुपए के लिए जो है बंदे को किस तरह जो है वो मुतमैन करना पड़ता है, ठीक है, और किस तरह से फिर जो है उसको रिचार्ज करके दिया जाता है। जनाब इजाजत दीजिए, ठीक है, तो जिंदगी रही बफजले खुदा, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा, ठीक है जी, और आप लोगों को बाकी की इंफॉर्मेशन जो है किसी और चीज के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। ये एक ठगबाज को समझाने के लिए था वीडियो, पसंद आए कमेंट जरूर कीजिए, अल्लाह हाफिज़।